चाहे कितने ही घनिष्ठ हों, इन सात लोगों पर भरोसा कभी मत करना, मिलकर धोखा देते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपने ध्यान से सुन ली तो आप कभी धोखेबाजों के जाल में नहीं फंसोगे। हमने देखा है कि आज के समय में अधिकतर लोग धोखाधड़ी का शिकार होते रहते हैं। धूर्त लोग आपको मूर्ख बनाकर आपका धन लूट ले जाते हैं या किसी और रूप में आपको धोखा देते हैं। किसी की स्त्री को अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं, किसी की स्त्री ही धोखा दे जाती है तो किसी स्त्री का पति उसे धोखा देकर पर स्त्री में लिप्त हो जाता है, किसी का मित्र गद्दारी कर जाता है तो किसी का भाई। ये सब क्यों होता है, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि लोग धोखा कैसे खा जाते हैं और उस धोखे से हमें कैसे बचना है। तो चलिए कहानी पर चलते हैं और समझते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, किसी नगर में एक भोला नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। भोला बड़ा ही बुद्धिमान तो था पर अपने नाम की तरह अत्यंत भोला भी था। भोला की पत्नी अत्यंत सुंदर थी और भोला अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। जितना भोला सीधा सज्जन था उतनी ही उसकी स्त्री बड़ी कुटिल और सातिर थी। वो जितनी सीधी बनती थी उतनी थी नहीं, ढोंग और दिखावा करने में वो बड़ी माहिर थी। हमने देखा है कि कई बार लोग दूसरों के विनम्र स्वभाव को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। अगर कोई आपको इज्जत देता है, आपका सम्मान करता है, आपके रूप गुण की प्रशंसा करता है, आपको खोना नहीं चाहता इसीलिए आपके आगे झुक जाता है, आपसे प्यार करता है इसीलिए आपकी हर बात मान लेता है, आप पर भरोसा करता है इसलिए आपको पूरी आजादी देता है, आपको दुखी नहीं देखना चाहता, आपको उदास नहीं देखना चाहता इसलिए आपकी हर ख्वाहिशें पूरी करता है, पर इसकी इन्हीं आदतों को सामने वाला उसकी कमजोरी समझ लेता है। वो ये सोचने लगता है कि मुझ में जरूर कोई विशेष बात है इसीलिए ये मेरा सम्मान करता है, इसीलिए ये मुझे इतना भाव देता है, ये मुझसे डरता है इसीलिए ये मेरी हर बात मानता है, जरूर मुझ में कुछ विशेष बात है तभी तो ये मेरे आगे पीछे घूमता है। कई बार आपके भोले स्वभाव की वजह से लोग आपको मूर्ख समझ लेते हैं। कहते हैं विनम्र और क्षमाशील लोगों में एक ही दोष होता है कि लोग उनको असमर्थ समझ लेते हैं और वे उनकी इसी आदत का फायदा उठाकर उन्हें धोखा भी देते हैं, उनके साथ अशिष्टता से पेश आते हैं। और ऐसा कई बार कुछ पति पत्नियों के बीच भी देखने में आता है। अगर किसी स्त्री का पति सज्जन स्वभाव का है और वो अगर अपनी पत्नी को सम्मान देता है तो पत्नी फिर उसके इसी स्वभाव को उसकी कमजोरी मानती है, उसके साथ नौकर की तरह व्यवहार करती है। कुछ पति भी अपनी भोली भाली पत्नियों को पाकर उन पर रौब झाड़ते हैं, उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते, उनका जब तब अपमान करते रहते हैं। किसी की अच्छी आदत को हमें उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए बल्कि हमें उसी तरह उसके साथ पेश आना चाहिए। किसी के विश्वास का हमें नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, पर जो लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं उनसे सावधान कैसे रहना है यही बात हमें सोचनी है। भोला को अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा हो गया था। उसकी पत्नी आए दिन उसके सामने बनावटी प्रेम परोसती रहती थी, उससे मीठी मीठी बातें करती हुई उसे विश्वास दिलाती थी कि वो उसकी बहुत अच्छी पत्नी है, पर उसके मन में कुछ और ही चलता रहता था। उसके इसी दिखावे को भोला सच मान लेता था। उसे लगता था कि उसकी स्त्री पूरे नगर में समस्त स्त्रियों में सबसे अच्छी और पतिव्रता है, इसीलिए वो उस पर आंखें मूंद कर विश्वास करता था और उसका बहुत सम्मान करता था। उसे हर काम करने की उसकी ओर से स्वतंत्रता थी। उसकी स्त्री जानती थी कि उसका पति उस पर दिलो जान से मरता है और उसका विश्वास करता है। एक दिन की बात, भोला की स्त्री ने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उसके द्वार पर एक भिखारी आया है और भिखारी ने जब आवाज लगाई तो उसकी पत्नी थाली में अनाज भरकर भिखारी को देने के लिए द्वार पर गई। हुआ ये कि भिखारी की झोली में भीख डालते समय भोला की पत्नी की उंगली भिखारी के हाथ से छू गई। अगले दिन सुबह को जब वो स्त्री सोकर उठी तो उसने सुबह सुबह अपने पति को बताया कि हे प्यारे, मेरी बात ध्यान से सुन लो, मेरे साथ में एक अजीब घटना घट गई है,
मैं उसको लेकर बड़ी चिंतित हूं। तो पत्नी को चिंतित देखकर भोला पूछने लगा, हे प्रिय, ऐसी क्या तुम्हारे साथ घटना घट गई जो तुम उदास हो? अपने मन का दुख मुझे जरूर बताओ। तब उसकी स्त्री बोली, हे स्वामी, आज रात मेरे स्वप्न में हुई अचरज की बात। द्वार खड़ा भिक्षुक मुझे देने लगा आवाज। भिक्षा लेकर मैं गई, तनिक नकीनी देर, उंगली उससे छू गई। भयो बड़ो अंधेर पिया में हूं पतिव्रता नारी। पर पुरुष देखो नहीं, बस उंगली छुई हमारी। भयो बड़ो अपराध तुम्हें एक अकल बतलाऊं, मेरी उंगली दी जो काट, पाप से मैं बच जाऊं। वो अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, रात मैंने एक सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि एक भिखारी द्वार पर भिक्षा के लिए आवाज लगा रहा था। भिखारी की आवाज सुनकर मैं भिक्षा लेकर द्वार पर गई। मैंने उसकी झोली में भीख डालनी चाही तो धोखे से मेरी उंगली उसके हाथ से छू गई। इसी बात को लेकर मैं बड़ी चिंतित हूं। आप तो जानते ही हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और पतिव्रताओं के लिए पर पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। धोखे से मेरी उंगली उसके हाथ से छू गई, ये मुझसे अपराध हो गया। मैं यही बात सोच सोचकर बड़ी दुखी हूं कि मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। क्योंकि कहते हैं पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि वो सपने में भी किसी पर पुरुष का चिंतन ना करे, लेकिन मैंने तो उसे छू लिया। हे स्वामी, इसीलिए मैं आपसे कहती हूं कि आप मेरी उसी उंगली को काट दीजिए जिस उंगली ने उस भिखारी को छुआ है, तभी मेरे हृदय में शांति आएगी, तभी मेरा पतिव्रत धर्म बच पाएगा। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर भोला बड़ा प्रसन्न होता है। सोचने लगा कि अगर उसकी पत्नी उंगली छूने पर उंगली कटवाने की बात कह रही है तो वो वास्तव में पतिव्रता है। तब भोला अपनी स्त्री से कहता है, हे प्यारी, इस बात में कोई संदेह नहीं कि तुम पतिव्रता स्त्री नहीं हो। भीख भिखारी को दी सपने में प्रिय आप, धोखे से उंगली छुई, नहीं बनता कोई पाप। भोला समझाने लगा, हे प्रिय, अगर सपने में किसी भिखारी को भीख देते समय उससे उंगली छू गई तो इसमें कोई पाप की बात नहीं है। पाप तो मन में सोचने से होता है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी उंगली नहीं काटूंगा। मेरी नजर में तुम पतिव्रता हो और तुम्हारा पतिव्रत धर्म बरकरार है। मित्रों, इस प्रकार से भोला ने अपनी पत्नी को पतिव्रता समझकर उसकी बहुत प्रशंसा की। उसे अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म पर बहुत नाज हो रहा था, और हो भी क्यों नहीं, धोखे से उंगली छूने पर वो उंगली काटने की बात कर रही थी। ऐसे में तो फिर विश्वास और मजबूत हो जाता है। अब तो भोला पूरे नगर में अपनी पत्नी के गीत गाता फिरता था कि मेरी स्त्री पतिव्रता है, मुझे अपनी स्त्री पर बड़ा नाज है, ऐसी स्त्री बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलती है। अब तो भोला अपनी स्त्री का और भी ज्यादा आदर सम्मान करने लगा, उसकी स्त्री को भी उतने ही नखरे बढ़ते चले गए। एक दिन की बात, उसकी पत्नी ने भोजन बनाया और बड़े प्यार से अपने पति को खिलाया। उसके बाद अपने पति से बोली, प्रीतम प्यारे, मेरा एक काम कर दो, मेरे कपड़े ले जाओ और बाजार में सिलवा लाना। भोला कहने लगा, प्रिय, ये कितनी बड़ी बात है, लाओ मैं तुम्हारे कपड़े अभी सिलवा लाता हूं। दर्शक बंधु, खुशी खुशी भोला अपनी पत्नी के कपड़े लेकर बाजार के लिए चल दिया। बाजार में पहुंचा तो एक दुकान के आगे सिलाई की मशीन लेकर एक दर्जी बैठा हुआ था। भोला ने अपनी पत्नी के कपड़े उस दर्जी को देते हुए कहा, दर्जी भैया, ये लो कपड़े, इन्हें मुझे अभी सीकर दे दो, ये मेरी पतिव्रता स्त्री के कपड़े हैं। मित्रों, दर्जी ने वो कपड़े उससे ले लिए और उसने जो नाप दिया था उस नाप के अनुसार उसने कपड़ों को काट छांट कर कपड़ा रख लिया, और जो कपड़े की कतरन बची थी वो कतरन भोला को लौटाते हुए कहा, लो भाई, ये कपड़ा आपका बचा है, इसे आप अपने घर ले जाओ। इस कपड़े की मुझे कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहां तो बड़ी ईमानदारी का काम होता है। मैं अपने यहां तो किसी के कपड़े की एक कतरन भी, एक धागा भी नहीं रखता हूं। दर्जी की ऐसी बात सुनकर भोला को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा कि मैं दर्जी तो बहुत देखे हैं, पर इतना ईमानदार और सच्चा दर्जी मैं आज पहली बार देख रहा हूं, जो किसी के बचे हुए कपड़े की कतरन भी अपने पास ना रखता हो। आज पता चला कि दुनिया में ईमानदार लोग बहुत हैं और सती सावित्री भी बहुत हैं। तब भोला दर्जी से बोला, हे दर्जी भाई,
आप मेरी पत्नी के कपड़े सी दीजिए और ये कतरन भी रख लीजिए, इस कतरन से आप बेईमान नहीं कहलाओगे। सब लोग समझ चुके हैं कि आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। तब दर्जी कहता है, हे भाई, मैं अपना नियम नहीं बदलूंगा। मेरा ये नियम है कि मैं कपड़े की कतरन अपने पास नहीं रखता हूं। पहले आप ये कतरन और ये बचा हुआ कपड़ा अपने अपने घर ले जाओ, तभी मैं आपकी स्त्री के कपड़े सीऊंगा। भोला के बार बार समझाने पर भी जब दर्जी नहीं माना तो वो अपने कपड़े की कतरन लेकर अपने घर की ओर चल दिया। और घर की ओर जब जा रहा था तो सोचता जा रहा था कि दुनिया में एक से बढ़कर एक ईमानदार लोग पड़े हैं। बताओ, ये दर्जी तो मेरी पत्नी से भी अधिक धर्मात्मा है, लोगों के कपड़े सीता है, पर मजाल क्या, जो कपड़े से बचा हुआ एक धागा भी अपने पास रख ले। हम तो समझते थे कि यह कलयुग है, इसमें ईमानदार लोग बहुत कम है, पर यहां तो एक से बढ़कर एक ईमानदार लोग हैं। ऐसे लोगों को देखकर तो लगता है कि आज भी सतयुग है। मित्रों, यही सब बातें सोचते सोचते भोला जब अपने घर पहुंचा तो घर जाकर उसने देखा कि उसकी स्त्री तो घर पर ही नहीं है। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। उसके घर में जो संदूक थे वो सब खुले पड़े थे, अलमारी भी खुली पड़ी थी। घर की यह हालत देखकर और पत्नी को घर पर ना पाकर भोला बड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा, उसके घर की ऐसी हालत किसने करी है और मेरी पत्नी कहाँ है? अभी अभी तो उसने मुझे बाजार भेजा था। यह सोचकर भोला बड़ा बेचैन होने लगा। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने इधर उधर भी अपनी पत्नी को तलाश किया, कहीं भी उसका पता नहीं चला। तब उसने अपने पड़ोसियों से जाकर पूछा कि भाई, मेरी पत्नी ने मुझे कपड़े सिलवाने के लिए बाजार भेजा था, मैं जब लौट कर आया तो पत्नी घर पर नहीं है, मेरी पत्नी कहाँ चली गई, क्या आपने उसे देखा है? तो पड़ोसी कहने लगे, हाँ भाई, तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ही तुम्हारी स्त्री एक बड़ा सा बैग लेकर कहीं जा रही थी। अब हमें यह नहीं पता कि वो कहाँ गई है और क्यों गई है। तो पड़ोसी ने पूछा, भाई बात क्या है, क्या वो तुम्हें बताकर नहीं गई? अभी चार दिन पहले ही तो तुम और तुम्हारी पत्नी आए हो, फिर अचानक इतनी जल्दी का कौन सा काम आ गया जो वो अपने मायके चली गई? क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ था? खैर, इसमें परेशान होने की बात क्या है, ज्यादा से ज्यादा वो अपने मायके गई होगी, दो चार दिन में आ जाएगी, परेशान क्यों होते हो? भोला कहने लगा, भाई अगर वो कहीं जाती तो कम से कम मुझे बताकर तो जाती, वो तो मुझसे पूछे बिना पानी तक नहीं पीती थी। और रही बात मायके जाने की, तो उसका मायका तो है ही नहीं, उसका मायका तो मैंने भी नहीं देखा है, अभी अभी दो महीने पहले ही तो हम लोग मिले थे। मित्रों, अब तो भोला अपने पड़ोसी को साथ लेकर अपने घर जाता है और घर की हालत दिखाता है। पड़ोसी ने देखा कि उसके घर का सारा सामान घर में बिखरा पड़ा था, सारे संदूक खुले पड़े थे, ताले टूटे पड़े थे, बक्सों में जो कीमती सामान था, गहने जेवर रुपए पैसे सब गायब थे। तब पड़ोसी ने पूछा, हे भोला, मुझे एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी पत्नी का मायका नहीं है, तो फिर तुम्हें तुम्हारी पत्नी कहाँ मिली थी? क्या तुम्हारा उसके साथ विधिवत विवाह नहीं हुआ है? तब भोला कहता है, हे मित्र, हम दोनों एक यात्रा के दौरान मिले थे, वो बहुत अच्छी बातें कर रही थी, मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, मैं बिना माँ बाप की बेटी हूं और कुंवारी हूं, मैं सीता सावित्री की तरह पवित्र हूं और एक अच्छे पति की तलाश कर रही हूं, कोई अच्छा पति मिल जाता तो उसके साथ जीवन कट जाता। बातों ही बातों में उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे जैसा एक सीधा सज्जन ईमानदार पति की खोज कर रही हूं, अब तक कोई पुरुष मुझे तुम्हारे जैसा नहीं दिखा, इसीलिए कुंवारी बैठी हूं, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे और सच्चे मालूम पड़ते हो, क्या तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओगे? मैं बहुत ही सभ्य स्त्री हूं, मैं सीता सावित्री और अनसुईया जैसी देवियों की तरह पतिव्रत धर्म में विश्वास रखती हूं। उसने जब इस प्रकार की बातें कही तो मुझे भी लगा कि स्त्री पत्नी बनने के योग्य है, मुझे भी ऐसी ही पत्नी की तलाश थी जो चरित्रवान हो और पति में अनुराग रखने वाली हो। मैंने उसे तुरंत हां कह दिया। हम दोनों एक मंदिर में गए और जाकर शादी कर ली, फिर पति पत्नी बनकर हम घर चले आए। भोला की बात सुनकर पड़ोसी ने गहरी सांस ली और बोला, भाई तुम्हारी स्त्री ना तो चरित्रवान थी, न सीता सावित्री और अनसुईया जैसी देवियों के रास्ते पर चलने वाली, और ना ही वो तुमसे प्रेम करती थी, वो तुम्हें मूर्ख बना रही थी,
सतवंती होने का नाटक कर रही थी। दरअसल वो तुम्हें लूटने के लिए तुम्हारी पत्नी बनी थी। जब तक तुम घर में रहे तब तक उसका मौका नहीं लगा तो वो तुम्हारे साथ पतिव्रता होने का ढोंग करती रही, और जब तुमने उसे अकेला रहने का मौका दिया तो वो तुम्हें लूट कर चली गई। वो स्त्री लुटेरी थी, तुम्हारा सारा धनमाल लूट कर तुम्हें मूर्ख बनाकर जा चुकी है। पड़ोसी की बात सुनकर भोला कहने लगा, मित्र मैं कैसे विश्वास करूं कि उसने मुझे धोखा दिया है और वो पतिव्रता नहीं थी। तब भोला ने उसे सुबह वाली घटना बताई कि कल सवेरे जब वो सोकर उठी तो उसने मुझे बताया कि रात में उसने एक सपना देखा था। सपने में उसके दरवाजे पर एक भिखारी आया था। वो भिखारी को भीख देने गई तो भीख देते समय भिखारी के हाथ से उसकी एक उंगली छू गई। वो कह रही थी कि आप इस उंगली को काट दीजिए, क्योंकि ये उंगली पराए मर्द से छू गई है इसलिए अपवित्र हो गई है। उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि वो बहुत बड़ी पतिव्रता है, तभी तो उंगली काटने की बात कह रही थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो मुझे मूर्ख बना रही थी। वो मेरे घर से धनमाल लेकर फरार होना चाहती है। पड़ोसी बोला, मित्र वो इसीलिए उंगली काटने की बात कर रही थी क्योंकि तुम उस पर इतना मरते थे, उससे इतना प्यार करते थे कि वो जानती थी कि तुम उसकी उंगली काटोगे ही नहीं। भोला की मासूमियत और उस स्त्री की चतुराई सुनकर उसे पड़ोसी को बड़ी हंसी आई। पड़ोसी बोला, मित्र तुम किस जमाने में जी रहे हो? अरे वो तुम्हें मूर्ख बना रही थी इसीलिए पतिव्रता होने का ढोंग रच रही थी। तुम उसके माँ बाप को भी नहीं जानती, उसका गांव भी नहीं जानती। रहा चलते उससे उठा लाए और उसके प्रेम में इतने अंधे हो गए। अक्सर ऐसी ही स्त्रियां और पुरुष इस तरह के आडंबर का सहारा लेते हैं। मित्रों, पड़ोसी की बात सुनकर भोला को अब यकीन हो चुका था कि उसकी स्त्री उसे लूट कर चली गई। सोचने लगा, मैंने तो उसे बहुत अच्छा समझा था पर वो तो धूर्त निकली। मित्रों, तभी उसे उस दर्जी का ध्यान आया कि ईमानदार तो वो दर्जी भी बहुत बर्रा था, कहीं मेरी स्त्री की तरह वो दर्जी भी तो नहीं है। वो इतना ईमानदार बर्रा था कि उसने अपने पास कटे हुए कपड़े की कतरन भी नहीं छोड़ी। मेरी स्त्री तो सती साध्वी बन रही थी, वो भी मुझे धोखा देकर भाग गई। मुझे उस दर्जी पर संदेह हो रहा है, उसे देखना चाहिए। इतना कहकर भोला फौरन भागता हुआ उस दर्जी के पास पहुंचा। वहां जाकर देखा तो वो दर्जी भी वहां नहीं था, ना उसकी मशीन है ना कपड़े। तब उसने अपना माथा ठोका और सोचने लगा कि मैंने जिस पर भरोसा किया, जिसमें सच्चाई नजर आ रही थी, वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। मेरी पत्नी इतना दिखावा करती थी कि मानो देवी अनुसुईया के बाद दूसरा उसी का नंबर है। वो भी मुझे सिर्फ लूटने के लिए ही आई थी। अब इस दुनिया में किस पर भरोसा किया जाए? ईमानदार देखने वाला दर्जी भी कपड़ा लेकर भाग गया। यही इस संसार की फितरत है। अक्सर लूटने वाले धूर्त पाखंडी लोग धर्म का, सच्चाई का चोला ओढ़कर संसार को ठगने का काम करते हैं। इस प्रकार तो जो लोग वास्तव में सच्चे होते हैं, धर्म पर चलने वाले होते हैं, उनको भी देखकर ऐसा लगेगा जैसे वो कोई ठगने की योजना बना रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। भोला ने सोचा, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं सीख गया कि हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती। उसने निश्चय कर लिया कि अब वो किसी दिखावा आडंबर करने वाले आदमी पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादातर बेईमान लोग इसे अपने ठगने का साधन बनाते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हरिश्चंद्र जैसी सत्यवादी बनकर दिखाते हैं, उन पर भी आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से भोला अपनी मूर्खता पर पछताता हुआ अपने घर को चला गया। अब वो अपने घर पर रहने लगा, पर पत्नी के बिना उसका मन नहीं लग रहा था। बार बार उसकी पत्नी का सुंदर चेहरा उसके सामने आ जाता था। पत्नी के झूठे प्रेम में आकर लुट गया था। इधर सुबह को भोला ने सोचा कि मैं जिस पत्नी की गांव वालों के सामने प्रशंसा करता था, अब उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगा जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी वही पतिव्रता स्त्री जिसकी मैं प्रशंसा के पुल बांधता था, वो मुझे छोड़कर भाग गई है और मेरे घर से धनमाल लूट कर ले गई, तो वे मेरी खिल्लियां उड़ाएंगे। यही सोचकर उसने रात के अंधेरे में ही अपने घर पर ताला लगाया और परदेश के लिए धन कमाने के लिए चल पड़ा। सोचा, परदेश में छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर लूंगा। मित्रों, कई दिन तक वो परदेश में रहकर काम करता रहा। उसके जीवन में अच्छे बुरे लोग भी मिले,
लेकिन फिर उसने कभी किसी पर विश्वास नहीं किया। कहते हैं आदमी ठोकर खाकर ही होश में आता है। ठोकरें भी जीवन के लिए बहुत अच्छा सबक दे जाती है। वो सबक मनुष्य औरों को भी अपने हितैषियों को दे सकता है। इस प्रकार कई जगह की ठोकर खाता हुआ भोला एक दूसरे राजा के राज्य में पहुंचा। उसने सुना कि वहां का राजा एक बात को लेकर बड़ा परेशान रहता है। दरअसल बात यह थी कि उस राजा के राज्य में छोटे छोटे बच्चों की चोरी हो जाती थी और बहुत ढूंढने पर भी बच्चों को चुराने वाले का पता नहीं चलता था। राजा इस बात को लेकर बड़ा चिंतित था कि बच्चों को चुराने वाला चोर आखिर हमारी पकड़ में क्यों नहीं आता है। परेशान होकर के राजा ने पूरे राज्य में इनाम की घोषणा कर दी थी कि जो कोई बच्चा चोरी करने वाले चोर को पकड़ेगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। यह बात जब भोला ने सुनी तो बिना देरी किए वो राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से बोला, महाराज बच्चा चोर को तो मैं पकड़ सकता हूं। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे, लेकिन तुम्हें बच्चा चोर को पकड़ना होगा। भोला ने राजा से कहा, महाराज इसके लिए आपको मेरे दो काम करने होंगे। एक तो मुझे कुछ सिपाही देने होंगे जो मेरी सुरक्षा कर सके और मैं जिसे कहूं उसे पकड़ सके, और दूसरा काम जिसे मैं बताऊंगा उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। राजा ने तुरंत 4 सैनिक भोला के साथ कर दिए। भोला उसी दिन से चोर की निगरानी करने लगा। धीरे धीरे कई महीने बीत गए लेकिन चोर अभी तक पकड़ में नहीं आया था। एक दिन की बात, जो राजगुरु था वो अपनी सवारी पर बैठकर बड़ी धूमधाम से चला आ रहा था। भोला भी अपने सिपाहियों के साथ वहीं पर था। उसने देखा कि राजगुरु कीमती वस्त्र पहने हुए, बहुमूल्य रत्न आभूषण धारण किए हुए और सुगंधित इत्र छिड़क कर राज्य में भ्रमण कर रहा है। इसके आगे पीछे बड़ी चहल पहल है, बैंड बाजे बज रहे थे। बड़ी धूमधाम से राजगुरु की सवारी शहर के बीचों बीच होकर गुजर रही थी। भोला ने देखा कि इस राजगुरु की तो राजा सहित सभी लोग इज्जत कर रहे हैं, फिर इसे इतना आडंबर दिखाने की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी मेरी स्त्री की तरह आडंबर दिखाकर लोगों को लूटता हो, उनके बच्चे चोरी करता हो। जिस तरह मैं अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाया, हो सकता है उसी तरह यहां के लोग इसको नहीं पहचान पाए हो। भोला ने सोचा कि हो ना हो यही व्यक्ति लोगों के विश्वास का फायदा उठा रहा है। उसने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया और राजगुरु को पकड़वा लिया। राजगुरु के हाथों में हथकड़ी डलवा दी और उनसे कहा कि हमें सब पता चल गया है कि तुम ही यहां से बच्चे चोरी करते हो। सच सच अपने मुख से ही बता दो वरना तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। मित्रों, अपने हाथों में हथकड़ी देखकर राजगुरु भयभीत हो गया। उन्होंने डर के मारे सारा भेद अपने आप उगल दिया कि मैं ही यहां से बच्चे चोरी करवाता हूं और अपने आश्रम में बंद कर देता हूं। जिन जिन के बच्चे चोरी हुए थे वे राजगुरु के आश्रम से अपने अपने बच्चों को ले आए। लोगों को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि राजगुरु ही चोर है। इधर राजा को यह खबर मिली कि उसके गुरु को चोर समझकर भोला ने गिरफ्तार कर लिया है तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि राजा हद से ज्यादा अपने गुरु पर विश्वास करता था। उसने फौरन भोला को अपने दरबार में बुलाया और उसे डांटते हुए बोला, क्यों भाई तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे गुरु को बंदी बनाने की? क्या सबूत है तेरे पास कि मेरे गुरु ने ही बच्चे चुराए हैं? भोला कहने लगा, महाराज आपके गुरु स्वयं अपने मुख से यह बात कबूल कर चुके हैं कि मैं ही चोर हूं, और ना मानो तो आप स्वयं पूछ लो। मित्रों, जब राजा ने उनसे पूछा तो राजगुरु ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया, क्योंकि मित्रों पापी को अपने पाप का स्वतः ही डर लगने लगता है। रही सही कसर लोगों ने पूरी कर दी कि महाराज राजगुरु ही चोर है, हमारे बच्चे इनके ही आश्रम से मिले हैं। अब तो राजा ने राजगुरु को तुरंत जेल में डलवा दिया और भोला को बुलाकर सबके सामने उसे सम्मानित किया और उसे अपने यहां कोतवाल की नौकरी दे दी। राजा कहने लगा, भाई मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे गुरु ऐसा घटिया काम कर सकते हैं, क्योंकि हम इन पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। राजा ने पूछा, हे भाई मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि तुमने राजगुरु को कैसे चोर समझा? तब भोला बोला, महाराज मुझ पर यह सब बीत चुका है, इसलिए मुझे कुछ ऐसे अनुभव हो चले हैं जिनके आधार पर मैं समझ लेता हूं कि यह व्यक्ति धोखेबाज या विश्वासघाती हो सकता है। देखिए,
झूठ और सच बोलना एक अलग बात है। धोखा और विश्वासघात जैसी चीजें वहीं पर उपस्थित होती है जहां पर व्यक्ति लापरवाह होता है या किसी पर आंख बूंद कर भरोसा करता है। जो आदमी सतर्क रहता है, दूर रहता है, वो आदमी धोखा खा ही नहीं सकता, ना कोई उसे धोखा दे सकता है। लेकिन जहां पर बहुत गहरा विश्वास होता है, बहुत ज्यादा भावुकता होती है, वहीं पर आदमी आपके विश्वास का फायदा उठाता है। लोगों को विश्वास सच्चाई पर होता है, धर्म कर्म पर होता है, साधु संतों पर होता है। अगर कोई धूर्त इनका चोला ओढ़ ले तो फिर तो वो आपको धोखा ही देगा। रावण ने भी माता सीता का हरण साधु का चोला ओढ़कर किया था। दुनिया को यह बताया कि धूर्त पाखंडी अपना काम बनाने के लिए इस रूप का भी सहारा ले सकते हैं। मनुष्य का सबसे अधिक विश्वास जहां होता है वहीं पर धोखा खाने का डर रहता है। धोखेबाजों से बचने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, जिस पर आप हद से ज्यादा विश्वास करते हैं उसकी बीच बीच में परीक्षा करते रहना चाहिए। नंबर दो, जो हद से ज्यादा मीठी मीठी बातें करता हो, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी छोड़ता हो, उससे सावधान रहना चाहिए। नंबर तीन, जो हद से ज्यादा आपके बिना पूछे आपको सलाह देता हो, बात बात पर कसम खाता हो, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। नंबर चार, जो आपको ये विश्वास दिलाता हो कि वो आपका ही है और आपके भले की सोचता है और आपकी नजर में भला बनने का दिखावा करता हो, जो वास्तविकता से ज्यादा आडंबर करता हो, उससे भी दूर रहना चाहिए। नंबर पांच, जो हद से ज्यादा मतलबी हो, हर कार्य में अपना ही फायदा देखता हो, ऐसा व्यक्ति समय पर धोखा देता है। नंबर छह, जो हद से ज्यादा भावुकता की बातें करता हो और बात बात पर आपको मदद की दिलासा देता हो, वो समय पर काम नहीं आता और आपको भावुकता में डालकर आपको लूट ले जाता है। नंबर सात, जो अकारण ही आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए, अत्यधिक आपकी प्रशंसा करे और स्वयं को बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास करे, उससे भी सावधान रहना चाहिए। दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर आपके काम आएगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।